इनहेरिटेंस के लिए अपन क्या करते हैं? हेलो, सेकंड ऑफ सेकंड लेवल करते हैं, उसमें अलग अलग से डिपेंडेंसी वगैरह लगाना पड़ेगा। उसमें से मैथ थोड़ी है कि उसमें ऐड करेंगे। ये जो बनाएंगे ना, इसी में से डेटा को निकालेंगे। सेकंड लेवल मतलब कि हमको बार बार सेशन ना बनाना पड़े, उसी में से एक बार निकाल के उसमें स्टोर कर लिए। तो जो मैपिंग वाला करेंगे प्रोग्राम या इनहेरिटेंस वाला, इसी में से डेटा को निकाल के दिखा देंगे सेकंड लेवल के लिए। ठीक है, तो पहले बनाते हैं रूपरेखा। भूमिका बांधनी है। भूमिका हाँ, तो एक लेते हैं पहले क्लास। जिस टाइप में हम यहां इनहेरिटेंस करेंगे, उसी टाइप में इनहेरिटेंस कहाँ हो जाएगा? डेटाबेस में, टेबल यूएसए बन जाएंगे। मतलब कि एक हम लेते हैं, क्या रिकॉर्डिंग ऑन कर लियो अरविंद? एक क्लास ले लेते हैं। किस टाइप का? पर्सन टाइप। पर्सन की आईडी, नेम, इसके अंदर पर्सन के अंदर रख दिए, और क्या क्या कर दिए? एड्रेस। ठीक है, पर्सन के अंदर कर दिए। इसकी चाइल्ड क्लास कर देते हैं दो। अब पर्सन दो टाइप का हो सकता है, या तो एम्प्लॉय या कि फिर फ्रेशर। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग सोशल सीरियस हो। एग्जाम्पल के लिए तो वो पर्सन कर दिए, जैसे पर्सन की टाइप में एक कर दिए एम्प्लॉय, एक कर दिए कस्टमर। फिर तुम चाहते ही हो कि तुम ही को कहे हैं। मतलब ऐसे नहीं बोला, एक फैकल्टी एक मैनेजर। एक कर देते हैं कस्टमर, कस्टमर एक कर देते हैं किसको? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे बेस ऑन दी इनके टाइप के बेस पे। हम इनको पर्सन टाइप के बेस पे हमको क्या करेंगे, इनको इनको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर एम्प्लॉय टाइप होगा तो डेटा किसमें स्टोर होगा? एम्प्लॉय वाली में। और कस्टमर टाइप का होगा, डेटा किसमें स्टोर होगा? कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर में एम्प्लॉय भी कर देते हैं एम्प्लॉय में कर देते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नाम तो पहले ही हो गया, डिजिग्नेशन, सैलरी और बस इतनी चीज। ठीक है, कस्टमर में क्या कर देते हैं? कस्टमर में अरे फिर वो मैच नहीं करा ना, अलग अलग चीज स्टोर करवानी। जैसे कि कस्टमर मान लो कोई चीज परचेज कर रहा, ठीक है, तो उसके लिए कर देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और बिल, बिल कर दिए, बिल अमाउंट मोबाइल बस कर दो। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। तो ओवरऑल क्या होगा डेटाबेस में? क्या होगा? एक टेबल जनरेट होगी कॉमन, आईडी के लिए, नेम, एड्रेस,
यहां पे कर देते हैं कॉलम परसेंटाइल, यदि कस्टमर है बनेगा तो सबके लिए, इंप्लॉई आईडी डिजिग्नेशन सैलरी, इंप्लॉई आईडी डिजिग्नेशन सैलरी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट और बिल अमाउंट बनेगा सबके लिए, बट ऑटोमेटिक यहां के बेस पे चेक करेगा। यदि आप इंटर किए पर्सन, यदि आप कोई नहीं इंटर किए सिर्फ आप पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाए, आपने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, पर्सन का, तो डेटा किस में स्टोर होगा, इस पर्सन वाले एड्रेस और पर्सन में, यहां तक में काम खत्म, बाकी सारे नल, ऑटोमेटिक क्या स्टोर हो जाएगा नल। आपने स्टोर किया क्या, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में क्या होगा, एम्प्लॉय में नेम एड्रेस आईडी, आईडी नेम एड्रेस, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी डेजिग्नेशन सैलरी, ये क्या रहेगा नल। आपने इंटर किया क्या कस्टमर, तो आईडी नेम एड्रेस यहां पे क्या चेक करेगा, किस टाइप का, तो वो टाइप यहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे प्रोडक्ट, ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये तीनों चीज सैलरी तक, प्रोडक्ट और बिल अमाउंट, ऐसे करके एक कॉमन टेबल रहेगी, ठीक है, समझ आ गया। टेबल का क्या नाम रहेगा, पर्सन, क्योंकि पर्सन क्या है इनकी सुपर क्लास। तो किसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अरे नया ही है, तुमको सब सब हटा देंगे ना, परसों पूरा हटा देंगे, पूरा प्रोजेक्ट ही नया रहेगा, ठीक है। इनहेरिट टैक्स, ठीक है, वो जार फाइल वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा मेरे को, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में, मैं बस उसके लिए। इसको किसमें से कर दें, फर्स्ट लेवल को किसमें से किए थे, ओरेकल से किए थे, yes. इसको MySQL से कर दें, बोलो यस, इसको MySQL से कर देते हैं, ठीक है, ये था ओरेकल से, तो इसको ओरेकल से कर देते हैं, ठीक है। SQL डेवलपर आज दूंगे तो ओपन करा दें, बहुत दिन से इसे देख रहे हैं। चलो इनहेरिटेंस में क्या क्या हटा देते हैं, ओरेकल वाला काम गया, ये रहा, लगा हुआ है इसमें, लगा हुआ है, हाँ उसी को कॉपी करना चाहिए था ना, इस वाले को, चलो कोई बात नहीं, ये वाली डिपेंडेंसी इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिए, ठीक है। मल्टीपल डिपेंडेंसी लगा देने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस प्रोजेक्ट में लोड बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके बाद SRC कौन लोड ले, क्यों परेशान हो तुम, ठीक है, ये लो सब डिलीट कर दिए, खुश। अब इसमें क्या किए, एक बनाए एंटिटी क्लास, पैकेज बनाए कॉम डॉट ए वाई डॉट, सबसे पहले क्लास बना दो पर्सन क्लास, अच्छा एक चीज और लगाना पड़ेगा अपने को, जरूरी नहीं है ऐसे भी कर सकते हैं, अभी तक पूरे प्रोग्राम जैसे कर दिए। एक और डिपेंडेंसी आती है बहुत अच्छी, फ्यूचर के लिए बहुत काम की, लैम्बॉक API, लैम्बॉक API मतलब ये JDBC के लिए वो भगवान है,
कुछ नहीं करना पड़ेगा तुमको, सेटर गेटर भी नहीं बनाना पड़ेगा, सब बना के दे देगी वो, ठीक है। लैम्बॉक एपीआई, उस लैम्बॉक एपीआई के बारे में जितना जानोगे उतना तुम लोग के लिए अच्छा, ठीक है। उसको दिमाग में रखो और जब टाइम पाओ तो उसके बारे में सर्च करो कि है क्या वो लैम्बॉक एपीआई, ठीक है। बाकी मैं इसमें दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो जैसे पर्सन क्लास है अपनी, तो पर्सन क्लास में प्राइवेट इंट आईडी का नहीं, ठीक है। दूसरा क्या था, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड एड्रेस, ठीक है। एक अंदर ना कंस्ट्रक्टर बनाना ना कुछ, लगा ले लैम्बो की। देखो फर्स्ट क्लास में भी मैं उसको यूज कर सकता था, बट मैंने जानबूझ के यूज नहीं किया, ठीक है, ताकि आदत ना खराब हो तुम लोग, क्योंकि अब जब जैसे जैसे तुम लोग फ्रेमवर्क यूज करोगे तो इंटरनली यही सब चीजें होंगी, ठीक है। क्वेरी नहीं लिखना पड़ रहा, स्प्रिंग डेटा और नहीं लिखने देगा वो, तो तुमको एक्सेवेल भी नहीं बनाने देगा, क्योंकि जेडीए स्प्रिंग डेटा इंटरनल यूज करता है किसको, हाइबरनेट को। हाइबरनेट ऑटोमेटिक खुद क्वेरी लिखता है, हाइबरनेट एक्सेवेल सपोर्ट करता है, वो एक्सेवेल को भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो लैम्बॉक एपीआई SL4G, देख रहे हो यूसेज, देख रहे हो 67,000, मतलब जावा एक्स सर्वलेट वगैरह को देखोगे तो सिर्फ 65 55, ऐसे ये 67,000 SLF4J, ठीक है। इसको यहाँ पे लाके ऐसे पेस्ट कर लिए, देखिए जरा वर्क कर रहा तुम, एट द रेट डेटा, लैम्बॉक मैवन डिपेंडेंसी, लैम्बॉक, ठीक है। एट द रेट डेटा आ गई, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया उसका केटर सेटर। अगर तुम खुद से अलग से करना चाहते हो, एट द रेट लगा दो, गेटर्स सबके गेटर बन गए, एट द रेट सेटर सबके सेटर बन गए, एट द रेट टू स्ट्रिंग सबके टू स्ट्रिंग बन गए, एट द रेट आर्ग्यूमेंट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर बन गया, एट द रेट पैरामीटराइज्ड के लिए ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, सारी चीजें, ठीक है। बस तुमको ये लिख दिए, काम खत्म। ये सही था, जैसे अब स्प्रिंग बूट में ऐसे ही तुमको मिलेगा आगे में, बहुत तुम लोग झेल लियो हैं। इस कर दिए डेटा ऑटोमेटिक, सारी चीजें एक लगा दी, डेटा से सारी जो मैं लिखा सब चीज तुमको मिल जाएगा। अब तुम डायरेक्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाओ, गेटर सेटर पी करो, काम
काम खत्म। ठीक है बस 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 अब तुम लोग सेंटिव बता मत हो जाना। ठीक है देते हाँ इतना पहले सब खेल बटन से रहा तो जावा भी नहीं करते, पहले तुम लोग को समझ भी तो नहीं आता। ना डेटा लगाएंगे उसको जैसे गेट करेंगे तो गेट हो जाएगा उतना तो मिलता है काम लेकिन पहले ये नहीं हंसी आती जो आज आई है। आज जो एक साथ हंसे हो तो खिलखिला ये तो के वही बात हो गया सर, सीरीज से आप 10 करोड़ करवा दीजिए बताइए पिछली तो मजा तो इसी का है ना। चलो कस्टमर में कर देते हैं बिल, कस्टमर में कर देते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम और बिल अमाउंट। ठीक है प्राइवेट स्ट्रीम, प्रोडक्ट नेम और इसीलिए कह रहा हूं आज उसके बारे में और पढ़ना और भी बहुत डेप्थ है वो। ठीक है यहां पे कर देते फ्लोट बिल अमाउंट। अभी देखो अभी वहां पे साइड में क्या आ रहा है, वार्निंग्स आ रही है। वार्निंग का मतलब है कि आपने बना तो दिया बट यूज नहीं किया। ठीक है हट गई, क्यों हट गई, क्योंकि यूज में आ गई है वो। ठीक है यूज हो गई वो, गेटर सेटर लग गया उसको यूज नहीं किया। जैसे आप किए क्या इंप्लॉय, इस पे क्या कर दिए इंप्लॉय पे एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स पर्सन। ठीक है पर्सन में क्या है एम्प्लॉय आईडी डेजिग्नेशन सैलरी, प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग सैलरी डिजिग्नेशन। हमको तो लिखना नहीं है तो क्यों अरे पूरा ही लिख देते हैं डिजिग्नेशन और प्राइवेट फ्लोट सैलरी। ठीक है चल कॉन्फ़िगरेशन माइस्क्यूएल बना दे और एक्सेल में जल्दी बोलो। एसआरसी चलो SRC कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये पूरी यहाँ से की कॉपी और ये यहाँ की है पेस्ट। ठीक है कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये यहाँ है, देखो यहाँ पे क्या लिखे है ना पेस्ट और एक्सेल। तो अब इसको, इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा HBM फाइल। HBM फाइल बनी हुई है ओरेकल के लिए। ठीक है अब इतना चीज मिटा लेते हैं। पर्सन का क्वालिफाइड नेम HBM में यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए क्या पर्सन। ठीक है और यहाँ पे कर दिए पर्सन, टेबल का नाम रहेगा पर्सन। ठीक है क्या है ये जाएगा आईडी चलो। अब इसमें कर लेते हैं पहला आईडी, आईडी नेम क्या है उसका, आईडी का नेम है आईडी जनरेटर, जनरेटर क्लास कर लेते हैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट स्पेलिंग देखना। उसके बाद प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू क्या है पर्सन में क्या है नेम और एड्रेस, नेम
ADDR, यही ना। अब हम इनको क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिस्क्रिमिनेटर, कॉलम इक्वल टू हो जाएगा, वो कॉलम रहेगा। कॉलम किस बेस पे अपने को डिवाइड करना है इनको, पर्सन टाइप के बेस पे। ठीक है, पर्सन टाइप, पर्सन अंडर स्कोर टाइप कर लेते। ठीक है, ये रहेगा स्ट्रिंग। ठीक है, अब सब क्लास, सब क्लास कौन है, कौन है सब क्लास? पहले कस्टमर बना दें, एम्प्लॉय बना दें, कस्टमर इसका क्वालिफाइड नेम। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू, वो जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कस्टमर। ठीक वो टाइप, टाइप तो यहां पे रहेगा ना, यहां पे हो गया टाइप, कस्टमर टाइप, यहां पे लिखेगा कस्ट और यहां पे लिखेगा वो एम्प्लॉय। ठीक है ना, तो वैल्यू हो गई कस्टमर। उसके बाद प्रॉपर्टी, कस्टमर के अंदर क्या है, प्रोडक्ट नेम, बिल अमाउंट। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, बिल अमाउंट, बिल अमाउंट। ठीक है, बिल अमाउंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट सब क्लास हो जाएगी सब क्लास कौन हुई, सब क्लास नेम इक्वल टू एम्प्लॉय क्लास, कॉपी क्वालिफाइड नेम। ठीक है, टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग कर देते, टाइप क्यों, जिसको डिस्क्रिप्टर वैल्यू इक्वल टू ईएमपी। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं इसको कस्टमर कर देते, पूरा नाम आया बढ़िया। ठीक है, एम्प्लॉय यहाँ पे हो गया, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम यहाँ पे कर दिए क्या, प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, सैलरी, ईएमपी आईडी, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, सैलरी। सही है सब, अभी भी बस इतना ही काम है। वो चेंज करना पड़ेगा उसका क्या वो पार्ट जो। हाँ ये कॉपी हाँ क्रोम से कॉपी करके दूसरा आया। करके
ये UTF-8 का क्या दिक्कत है? काफी नेम इक्वल टू कर देते हैं पर्सन, कॉपी क्वालिफाइड नेम ये इधर मैं कर दी पर्सन, टेबल इक्वल टू पर्सन ठीक है, बाकी आईडी से लेके यहाँ तक का वो जनरेटर वाला क्लास था जो भी सुन लेता है क्या तुम लोग की? अरे कितना मस्त हो गया, चलो इसको इस सब क्लास से लेके डिस्क्रिमिनेटर कॉलम तक चलो नेम इक्वल टू, अरे आप अरे देखेंगे वो पिक क्लास क्लास मार गए अच्छा ना उसे क्लास क्लास अच्छा अच्छा नेम इक्वल टू क्या है वहां पे, छोड़ो देखेंगे क्या है, नेम और एड्रेस मेरा दिन आएगा और क्या होगा। अरे क्लास कौन सी फाइल है वो, कंफिगरेशन सैंपल फाइल है, HBM फाइल है ना, HBM फाइल सर, जरूरी है जो नेम में लिखे हैं वो उस नहीं। क्लास में जो पर्सन कस्टमर वाले में है उसमें नेम से वो नीचे नहीं। उसमें नीचे आएंगे एक बार वो डेजिग्नेशन का भी बोल रहे नीचे। हाँ ये अरे सही है, मैं देख लियो क्या कह रहा है, देख क्लास मस्ट मेटा क्या आईडी सारी चीज तो कहाँ गया जनरेटर वैल्यू खुद से लिखना पड़ेगा।
कहाँ गया कोई, किसी और में कहाँ गया? HBM क्लास नेम पुलिस में तो ठीक देखेंगे क्या होता है। ठीक है इसको कर देते हैं एप डॉट जावा स्टार्ट करते हैं तो। अरे छोड़ो एंटिटी क्लास एप जावा ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं इसके लिए नहीं लिखा हूं कहीं किसी ने ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद सेशन फैक्ट्री ट्रांजेक्शन हो गया। अब क्या करते हैं डेटा को स्टोर करते हैं। तो जैसे पहले बनाए पर्सन में, पर्सन पी इक्वल टू न्यू पर्सन, पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाए ठीक है। और चाइल्ड क्लास को क्या कह रहा हूँ? चाइल्ड क्लास को हाँ तीनों को बना देते हैं ना, तीन डेटा स्टोर करवाते एक ही साथ ठीक है। पी डॉट सेट आ गई सेटर मेथड, पी डॉट सेट आईडी, आईडी तो वहां ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, नेम इक्वल टू हो जाएगा जैसे कि राम। पी डॉट सेट एड्रेस, एड्रेस इक्वल टू हो गया ठीक है। तो ये डेटा कहाँ सेट होगा? पर्सन। तो उसके लिए कर लेते हैं सेशन डॉट सेव, एस डॉट सेव पी ठीक है, या कि फिर बाद में कर लेते हैं, बाद में सेव कर लेंगे। दूसरी चीज फिर किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं? कस्टमर का, कस्टमर सी इक्वल टू न्यू कस्टमर ठीक है। सी डॉट सेट नेम, नेम इक्वल टू कर लेते हैं जैसे अमित। सी डॉट सेट एड्रेस दिल्ली, सी डॉट सेट प्रोडक्ट नेम जैसे उसने क्या लिया सपोज करो कार, बिल अमाउंट कितना हो गया, अब हो जाएगा ठीक। सेशन डॉट सेव कर देते हैं क्या ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू एम्प्लॉय ई डॉट सेट एम्प्लॉय नेम आशीष, ई डॉट सेट एड्रेस, एड्रेस कर लिए जैसे नोएडा, ई डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी 2175509 ये मेरी एम्प्लॉय आईडी यहाँ की नहीं। ई डॉट सेट डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन कर दी कुछ भी जैसे कि है सेल्समैन सेल्समैन ठीक है। ई डॉट सेट सैलरी, सैलरी कहाँ गया, सैलरी कर देते हैं 1200 ठीक है। ये सारी चीज एच डॉट सेव
कर दिए ई। ठीक है, बस ट्रांजैक्शन कमिट, ये सारी चीज होने बाद टी डॉट कमिट, सेशन क्लोज, सेशन क्लोज, सेशन फैक्ट्री डॉट क्लोज, ठीक है। रन कर दें, रन एच जावा एप्लीकेशन सेकंड लेवल कैच डिसेबल। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं जनरेट व्यू कि नहीं, किसमें क्या सर्च करें यहाँ पे। एसक्यूएल एसक्यूएल डेवलपर, कल सब लोग एसक्यूएल डेवलपर डाउनलोड करके लाना, ठीक है। अरे डाउनलोड कर कैसे नहीं होता, ट्राई कर लिया काफी तो अच्छे लगता है बहुत। करवा दूंगी। एसक्यूएल डेवलपर, अरे यहाँ पे कहाँ गया, फाइल फाइल न्यू स्किप बार न्यू, यहाँ पे करोगे कनेक्शन, यहाँ पे अपना चेक करो कनेक्ट हो रहा कि नहीं, या कि फिर नहीं, नंबर देखो। अगर तुमने प्रॉपर इंस्टॉल किया होगा डेटाबेस पहले, अगर एसक्यूएल प्लस से वर्क करता है, हाँ तो फिर देख लूंगा। ठीक है, कहाँ गया, हो गया, ऑटोमेटिक वो कनेक्ट था मेरा। यहाँ पे ऐसे किए, यहाँ पे यूजर नेम इंटर किए, पासवर्ड इंटर किए, टेस्ट कर लिए। जैसे यहाँ पे देखो, यूजर नेम नहीं सी हैज एस आकाश, टेस्ट कर कर लिए। रहा यहाँ यहाँ पे इसलिए आप यहाँ पे रुको रुको रुको, कहाँ गया, यहाँ पे एस आई डी है ना, एक्स ई है, तो कि आप एक्स ई की जगह पे ओ आर सी एल इंटर कर लेना। ठीक है, अब ये देखो करोगे, वर्क कर गया, सक्सेस हो गया। ठीक है, ओ आर सी एल ध्यान रखना, हो जाएगा, कनेक्ट हो गया। सेव कर लो, आपको बार बार कनेक्ट ना करना पड़े, सेव कर लो। मैंने सेव कर रखा आकाश नाम से, जब भी आता हूं यहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्ट रहता है। इंटर की कनेक्ट, पर्सन, पर्सन नाम की टेबल होगी तो उसका डेटा आ जाएगा। आ गया, अरे ये आ गया, इधर उधर कहाँ देख रहे हो, कॉम डॉट ए वाई डॉट एंटिटी। एक सेकंड, ये आगे पीछे कैसे आ गया, सबसे पहले किसका आ गया, पहले मैंने किसको सेव कर दिया था उधर, पर्सन दिस, तो डिलीट करके दोबारा देख लेंगे। ठीक है, तो देखो ओवरऑल हुआ क्या, एक कॉमन टेबल जनरेट हो गई किसके लिए, ये हो गया फर्स्ट, इंडेक्सिंग हो रही है ऑटोमेटिक।